पर्दा नहीं भैया, तीन गाड़ी, तीन गाड़ी। ये आंदोलनकारियों ने पहले तो यहाँ पे जाम लगाया, जाम लगा करके जो प्राइवेट फैमिलीज और लोग फंसे हुए थे उन लोगों की गाड़ियों को तोड़ना शुरू कर दिया। तो पुलिस ने समझाइश की, समझाइश के बाद जब नहीं काम चला तो पुलिस को पथराव करना शुरू कर दिया, तो पुलिस पीछे हटी, जिसमें हमारे कुछ पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं। उसके बाद इन्होंने पुलिस की गाड़ियों को आग लगा दी और कुछ प्राइवेट लोगों ने देसी हथियारों से, देसी कट्टों से पुलिस पर फायरिंग दी। उसके बाद में फोर्स ने टीयर गैस छोड़ करके और उनको खदेड़ करके और हाईवे खुलवा। सर बम गन की भी पट्टी थी, बम गन से भी सर फायर किए नहीं, हमने टीयर गैस से फायर किए हैं ताकि ये रोड खुलवाया जा सके। और जब पब्लिक न्यूसेंस ज़्यादा करने लगे, जो सवारियां फंसी हुई थी, फैमिली कार्स फंसी हुई थी, उनके शीशे तोड़ने शुरू कर दिए, महिलाओं के साथ अभद्रता करना शुरू कर दिया, तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर जब हाईवे को कम्प्लीट उन्होंने कैप्चर कर लिया, तो ऐसी स्थिति में वो टीयर गैस छोड़ करके तो हाईवे खाली कर दिया। उनका वीडियोग्राफी कराया है, कुछ लोगों की पहचान है, उनके खिलाफ कानूनी एक्शन लेंगे। सर इतना ग्रुप कैसे ले लिया, कोई उनसे समझाया, बात नहीं की थी समझाया की? नहीं, वो अचानक ही इनका ज्ञापन देने का कार्यक्रम था, यहाँ हाईवे रोकने का पहले कोई कार्यक्रम नहीं था। ज्ञापन के लिए एहतियातन हमारी कलेक्टर साहब से बात हो गई थी, एडीएम साहब ऑलरेडी तैयार थे कि हम ज्ञापन लेने के लिए तैयार हैं, लेकिन उन्होंने अचानक आकर के यहाँ हाईवे रोक करके और उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर खराब करने का किया। सर कितने पुलिसकर्मी घायल हुए हैं इसमें? सर इसमें 4-5 पुलिसकर्मी घायल हुए, जिनके पथराव में चोटें हैं।